आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे जी। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम विद अनदर व्लॉग। ये है जी संडे रूटीन, इवनिंग रूटीन का व्लॉग। उस मॉर्निंग रूटीन के बाद नेक्स्ट इवनिंग रूटीन शेयर करते हैं आपसे। उम्मीद करती हूँ आपको मॉर्निंग रूटीन अच्छी लगी होगी। तो मॉर्निंग रूटीन के साथ साथ इवनिंग रूटीन भी आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि संडे को इवनिंग में हम क्या करते हैं। हम संडे का पूरा दिन अपने बच्चों को देते हैं। फुल टाइम जॉब है ये हमारी, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हर पेरेंट की यही फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। हर पेरेंट की फ़र्स्ट प्रायोरिटी ऑफ कोर्स उसके बच्चे ही होते हैं। तो फर्स्ट टाइम में हम इनको पढ़ाते हैं, इनके साथ खेलते हैं और शाम में हम इनको एंजॉय करने के लिए गेम्स में लेके आते हैं। तो चलें दिखाते हैं जी आपको इन्होंने कैसे एंजॉय किया। शारी अब क्या कर रहे हो? शारी क्या कर रहे हो? काशा की भी रेस शुरू हो गई है। काशा क्या कर रहे हो? काशा उसको ब्रेक समझ रहा है, उसके चलो चलो दीजो दीजो कैसा लग रहा है शारी? शारी जीत गया शारी। चलो अब क्या करना है? गेम्स जो हैं वो बच्चों की ज़िंदगी में बहुत ही खुशगवार किस्म के तासुरात को बयान करती हैं। शारिक और उकाशा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एक दूसरे के साथ बैठना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ सेम ही गेम खेलना चाहते हैं। यहाँ पे उकाशा जो है काफ़ी देर वेट करता रहा कि शारिक भाई आएंगे फिर हम लोग गेम स्टार्ट करेंगे। तो अब इन्होंने काफ़ी इंजॉय किया। आप भी अपने बच्चों को फुल टाइम दिया करें ताकि वो भी आपको, जब आपको उनके टाइम की ज़रूरत हो तो ज़रूर टाइम दें। तो हमें बच्चों को पढ़ाना भी चाहिए, साथ साथ उनकी गेम्स का भी ख्याल रखना चाहिए। Thank you.
खेलने के बाद ऑफ कोर्स भूख तो लगती है, तो चले चले पूछते हैं शारिक से और काशा से कि अब हम कहाँ जाएंगे, तो वो आपको बताएंगे कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। जैसे ही हम लोग इनसे पूछते हैं कि क्या खाना है, तो ये एक ही जवाब देते हैं। तो यहाँ पे मेरी और इनके बाबा की और इनकी तकरार होती है कि क्या खाना है। तो अभी चलें आपको दिखाते हैं कि शारिक का क्या करके पिज़्ज़ा क्या होता है। जब आप निकले थे ना, हमें नहीं पता था पिज़्ज़ा क्या होता है। वाओ, शारिक फेवरेट प्लेस। चलो वापस चलो ना। क्या क्या खाना खाना है? पिज़्ज़ा खाना नहीं होता, पिज़्ज़ा खाना नहीं होता, पिज़्ज़ा जंक होता है। पिज़्ज़ा हेल्दी फूड नहीं है, हेल्दी फूड। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाना है इधर बताना मुझे। नीचे क्या है? इधर करो, पिक्चर बनाओ। आप उसने पिज़्ज़ा खाना है, आपने चॉकलेट खानी है। पिज़्ज़ा खाना है ना बग्गर कशा को रिक्शा। इधर मुंह करो, मैं इधर। और हमेशा की तरह ये लोग टॉय शॉप में रुक गए। ये सारी चीज़ें इनके पास हैं, तो ये देख रहे थे कि यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ है जो इनके पास नहीं है। गर्ल्स टॉयज़ के अलावा बॉयज़ के टॉयज़ में जो कुछ भी यहाँ पे था वो सब इनके पास है। टैब्स, कार्स, रिक्शा, मोटरसाइकिल्स और ये सब कुछ। हाँ, गर्ल्स टॉयज़ हमारे पास नहीं है, लेकिन हाकी मॉल में ये शॉप है अपस्टेयर, इनके पास ये टैब्स भी अवेलेबल है। जब मैंने इन टैब्स की वीडियो लगाई थी तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि कहाँ से ली हैं। और ये स्पाइडरमैन, सुपरमैन हाकी मॉल में सबसे ऊपर वाले फ्लोर में गेम्स के सामने ये शॉप है, यहाँ पर सारा कुछ अवेलेबल था। उसके बाद हम लोगों ने चलते चलते एक और चीज़ एक्सप्लोर की, फिर हमने शारिक को ले गई। जी, ये वाली जैकेट सर्दियों के लिए बहुत ही मुफीद। हम लोगों ने शारिक को स्पाइडरमैन वाली ले के दी, ये थी फोकस पे। तो आप भी अगर अपने बच्चों के लिए इस तरह की जैकेट लेना चाहते हैं तो फोकस से ले सकते हैं। जब मैंने स्पाइडरमैन वाली वीडियो का व्लॉग लगाया था तो मुझे काफ़ी मैसेजेस आए थे कि ये कहाँ से ली है। सर्दियों के लिए बहुत ही फिट चीज़ थी ये। तो ये येलो जैकेट, ये येलो जर्सी और ये जैकेट है लोग हम लोगों ने ली यहाँ से। और अब हम आपको चलते हैं लेकर कहाँ पर खाने पर, तो देखेंगे हम लोगों ने क्या खाया। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हम लोगों ने क्या क्या खाया, क्या क्या ऑर्डर किया बच्चों की फरमाइश से। तो हम लोग गए थे सेकंड वाइफ का रिव्यू देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।